हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खट्टा मीठा स्वादिष्ट अचार, नींबू मिर्ची का अचार आज हम बनाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नींबू ले रखा है और मैंने यहाँ पे ढेर सारी हरी मिर्च ले रखा है और मैंने यहाँ पे साइड में गुड़ ले रखा है। ये देखिए मिर्चियाँ हमारी कैसी हैं यहाँ पे। तो अब हमने कढ़ाई में यहाँ तो अब हमने गैस पे यहाँ पे पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं डालूँगी इसमें सौंफ, एक कटोरी सौंफ डाल देंगे। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, हल्का इसको भून लेना है धीमी आंच पे। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता। तब हमने इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसको अब निकाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर मेथी के दाने भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ही भूनना है इसको। मेथी को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, अगर ज़्यादा भून गया है तो ये इसमें जो है वो कड़वापन आ जाता है, तो अचार जो है वो कड़वा लगने लग जाता है। तो इसको बिल्कुल थोड़ा सा ही हमको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अभी हमारा अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है, अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल दूँगी सरसों का तेल। तेल को हम कर लेंगे अच्छे से गर्म, बिल्कुल गर्म करना है, बहुत गर्म करना है इसको अच्छे से। जब तक इसके ऊपर से जो है वो वाप नहीं निकलता तब तक हम इसको गर्म करते रहेंगे। तेल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म रहना चाहिए हमारा। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं, फिर बाद में इसको मिक्सी में लगा के इसका एक थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे हम। तब तक हम यहाँ पे मिर्ची और जो नींबू है उसको काट के ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मिर्ची को यहाँ पे कैसे काटते हैं अचार बनाने के लिए। ये देखिए बीच से यहाँ पे ऐसे काट देते हैं, देखिए बीच से हम यहाँ पे ऐसे काट रहे हैं जिससे जो अचार जो मसाला है वो मिर्ची के अंदर भी चला जाएगा। तो इसको अच्छे से हम कट कर लेंगे बीच से। तो अब ये जो सारी मिर्चियाँ हैं उनको काट के ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो तेल से जो है वो धुआं निकल रहा है। इस स्टेज पे तेल को हम कर लेते हैं बंद। अब हम क्या करेंगे कि तेल को ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी मिर्ची काट के ले ली है, अब हम काट के ले लेते हैं नींबू को। तो मैं आपको बताती हूँ कि नींबू यहाँ पे कैसे काटने हैं। सबसे पहले हम इसको बीच से काट लेंगे और ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो चलिए अब ऐसे ही सारे नींबू काट के ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नींबू भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के ले लिया है और मिर्ची भी काट ली है। जो हमने यहाँ पे मसाले जो ड्राई रोस्ट किए थे उसको भी ये ठंडा हो चुका है अच्छे से। अब हम इसको मिक्सी में लगा लेते हैं और दरदरा पीस के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर हम पानी ही डालेंगे, ऐसे ही इसको पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए इस थोड़ा मोटा मोटा पीस है हमने इसको। तो अब हम इसके अंदर एक कटोरी नमक डाल देंगे। अब हम इसके अंदर एक कटोरी हल्दी भी डाल देंगे। अब जो हमने मसाला डाला था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर पीला मोम डाल देंगे। अब हम इसके अंदर राई डाल देंगे। अब हम इसके अंदर एक कटोरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, घर का बना हुआ लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे जो मसाले हैं वो हमें मिक्स मिर्ची और नींबू में लगना चाहिए, ऐसे इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा जो मसाला है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब मैं इसके अंदर गुड़ डाल दूँगी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक प्लास्टिक के बर्नी में इसको भर के रख लेंगे। आप चाहे तो कांच के बर्नी में भी रख सकते हैं, कांच के बर्नी में रखने से ज़्यादा दिन तक जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो
फिर इसको अच्छे से प्लास्टिक के बर्तन में भर के ले लेते हैं। तो प्लास्टिक में मैंने यहाँ पे भर के रख दिया है सारा जो अचार है यहाँ पे। अब हमारा जो तेल है वो ठंडा हो चुका है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हींग, आधी चम्मच भर हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, अब हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। अब हम इसको तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये तेल में इसके अंदर डाल दूँगी, तो यहाँ पे अब मैं जो तेल है वो डाल दूँगी इसके अंदर, अच्छे से सावधानी से डाल देंगे तेल। तो हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है और यहीं पे बस हमारा बनके अचार, जो खट्टा मीठा अचार है वो बनके रेडी हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल टेस्टी है, आप इसको आराम से 2-3 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे तो कांच के बर्तन में भी रख सकते हैं इसको स्टोर कर, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये देखिए हमारा खट्टा मीठा अचार बनके रेडी हो चुका है और अब हम इसको लास्ट में अच्छे से मिक्स कर रख देंगे स्टोर होने के लिए, तो ये अच्छे से बनके रेडी हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस रेसिपी में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।